के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रैक्टिसेस जो हमारी थी उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले सोइल को प्रिपेयर किया था। सोइल प्रिपेयर हो चुकी है हमारी, अब उसके अंदर हमें क्या करना है, सोइंग, दैट इज बीज बोना, बीज हमें बोना है, ठीक है। तो बीज बोने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि अच्छे बीज का चुनाव करना जो आपको अच्छी यील्डिंग दे, न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशंस दे। तो हम लोग ऐसे सीड्स को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जो कि हमें कॉमनली बीज भंडार से मिल जाते हैं, अलग अलग आप लोगों को क्वालिटी के बीज वहां पे मिल रहे होते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के बीज वहां से सिलेक्ट करना पहली हमारी, पहला हमारा मेन काम वही रहेगा, सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स। तो ये अगर हमने कर लिया तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब क्या है, मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स, अब बीज बोने के तरीके। अब अगर हम याद करें कि पहले मशीन जब नहीं होती थी तो क्या किया जाता था, हाथों से बीज बोए जाते थे। आप आज भी देखते होंगे घरों में छोटे लेवल पे कुछ भी चीज आप लोग बो रहे होते हैं, वो आप हाथों से सीड्स उसके अंदर बो रहे होते हैं। अब आज के टाइम पे कुछ आप लोगों की टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है जिससे आप लोग उसी चीज को मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, जानते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला है सोइंग बाई हैंड्स, कि बीज किससे बोना है, हाथों से बोना है। अब इसमें क्या दिक्कत रहेगी आपकी, पहली बात प्रॉपर स्पेसिंग आपको नहीं मिलेगी, एक एग्जैक्ट स्पेस के बाद आपका बीज जाना चाहिए तब आपको एक अच्छी फसल मिले, अच्छी यील्डिंग मिले, वो नहीं हो पाएगी। इसमें हाथों से जब हम लोग करेक्टली मेजर करके कोई भी आपके जो आपके सीड्स है वो नहीं बो सकते, तो हम लोग इसके अंदर ये वाली चीज मिसिंग पाते हैं कि हम लोगों को प्रॉपर स्पेसिंग नहीं मिलती। दूसरा, प्रॉपर डेप्थ के ऊपर भी हम लोग बीज को नहीं बो सकते, इससे फसल अच्छी नहीं होगी। तो दूसरा मेथड जो आज के टाइम पे आपका ट्रेनिंग मेथड है वो रहेगा सोइंग विद द सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होती है, आप लोगों को एक मशीन होती है जिसके अंदर एक पाइप लिया जाता है, पाइप के साथ एक फनल लगी होती है, पाइप के ऊपर फनल जो होती है उसके अंदर बीज डाले जाते हैं, बीज के बाद वो बीज कहाँ पे आते हैं, आपके आपके ट्यूब के अंदर आते हैं, ट्यूब में नीचे छेद लगे होते हैं, छेद के साथ वो नीचे जा सकते हैं, किसी भी ट्रैक्टर वगैरह के हेल्प से हम लोग उनको कैरी ऑन कर सकते हैं। ये आपकी डिजाइन मशीन भी बोली जाती है, आपके गांव में आप लोगों ने देखी भी होगी। तो आजकल हम लोग इससे आपकी सोइंग कर रहे होते, इसका हमें फायदा क्या मिलता है कि करेक्ट स्पेसिंग, आपकी जो बीज में बराबर स्पेसिंग मिल रही होती है। दूसरा, डेप्थ आपको प्रॉपर डेप्थ के साथ ये चीज कैरी ऑन कर सकते हैं। दूसरा, रेगुलर रो मिलती है, आप देखते होंगे आपने खेतों में देखा होगा कि एक रेगुलर रो में सभी फसलें उगी होती है, गेहूं वगैरह, तो वो रेगुलर रो हमें यहाँ से मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि सेव टाइम्स, इट सेव्स टाइम्स, इसमें काफी टाइम लग रहा होता है, काफी आप लोगों को लेबर लगानी पड़ती है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं करना पड़ता, ये जल्दी तुरंत आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या है, हमारी लास्ट प्रैक्टिस है, लास्ट प्रैक्टिस ट्रांसप्लांटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये वो तरीका है जिसमें हम लोग पहले ही पौध रेडी कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों को बीज बोने के बाद वो अच्छी फसल मिले ना मिले ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पहले ही पौध रेडी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की राइस, जो आप राइस बोते हैं तो वो ट्रांसप्लांटिंग की हेल्प से किया जाता है, जिसमें पहले ही पौध रेडी कर ली जाती है और उनको पानी डालने के बाद उसके अंदर बो दिया जाता है। यही प्रैक्टिस हम लोग यूज करते हैं। अगर आप लोगों को घरों में प्याज की फसल बोनी है या मिर्च की फसल बोनी है तो वो भी हम लोग ट्रांसप्लांटिंग की हेल्प से ही कैरी ऑन करते हैं। तो ये वाली हमारी तीन मेथड हो गए, बाय हैंड, बाय सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग। तो तीनों मेथड्स अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज के डेट में, आज के लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं। आप इनको पढ़ लीजिएगा अपने।